जय माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वैर गिरिवर वा, धारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरुधारीं यशोदनन्दना दजनरञ्जना यशोदनन्दनं दजनरञ्जनं यमुना दीना यमुना तीरा जीरावनज जय राधा जय राधा कुंजिहारी जयराधवा कुंजबिहारीम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा पाना, प्रभु पादा प्रभु पादा जाया प्रभु पादा जाया जाया प्रभु पादे गुरुदेव हरे कृष्णा आप सबको मेरा दिनवत प्रणाम आज का सेशन हमारा यूट्यूब पे रहेगा जूम पे नहीं हो पाएगा क्योंकि आ, कुछ सर्विसेज हैं कहीं एंगेज हैं सभी लोग तो इसलिए आज का सेशन यूट्यूब पे होगा और मुझे भी कुछ सर्विसेज में बिजी हैं तो इसलिए आज की सेवा मुझे प्रदान की गई है तो आप सबका स्वागत है आज का, आज के सेशन में और आज हम पढ़ेंगे वर्ष नंबर सेवेंटी से लेके वर्स नंबर सेवेंटी सिक्स तक तो ऑल दो मैं तो इस योग्य नहीं हूँ बट फिर भी सेवा मिली है तो करनी है एंड प्रयास में अपने से पूरा करूंगी और अगर उसमें कोई त्रुटि रहे तो आप सब वैष्णव हैं एंड मुझे क्षमा कर दीजिए हरे कृष्णा तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाया नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वदिव्यासं ततोर्जयामुदीरै नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयाम् भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की uh, मैं मंगलाचरण शेयर भी कर देती हूँ ओम अज्ञानां तिमिरं दस्य ज्ञानं शलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदांतिकं हम श्री गुरोुतापकमल श्री श्रीरूप सागर जात सह गण रघुनाथ वितम तम सजीव सैतधूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधाकृष्ण ललिता श्री विशाखावीता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा राधका नमस्तुते प्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे ग्रंथ भागवतम की जाए तो आज का जो वर्ष रहेगा वो आपको अभी शेयर कर दिया जाएगा आई होप आपको विजिबल होगा तो आज का हमारा टास्क है नंबर नंबर से 76 तक तो वर्ष 70 पढ़ते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि ध्रुव महाराज तपस्या के लिए जाते हैं उन्हें मार्गदर्शन के लिए भगवान ही उनको भेज भगवान ही भेजते हैं नारद मुनि को नारद मुनि उनका मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से आपको तपस्या को आगे लेके चलना है एंड उसके बाद जो महाराज को उनके गंतव्य स्थान पर भेजने के बाद नारद मुनि सोचते हैं कि अब मैं जाता हूं उतान के पास वहां पे क्या स्थिति है अब नारद नारद मुनि जब उत्तान पाद के पास जाते हैं वहां पे उनको पता लगता है वहां पे उनको पूछते हैं कि क्या चल रहा है तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो उत्तान थे उन्होंने वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं नारायद मुनि को बताते हैं कि मैंने अपने अब, आसक्तियों के कारण अपने ऐसे छोटे से नन्हे से बालक पे इतना अत्याचार किया जिसके प्रति जिसके कारण मैं बहुत आ, बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ तो और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए तो यहाँ तक हमने पढ़ा है आगे देखते हैं क्या होता वर्स है वर्ष है सेवेंटी मैत्री वाच इति देवृष प्रोक्तम विश्रुत जगता, जगती पति राज्य पुत्र मैत्र मुनि ने आगे कहा नारद मुनि से उद्देश्य प्राप्त करने के बाद राजा उत्पा उत्तान ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्य में राज्य के सारे कार्य छोड़कर छोड़कर दिए और कार्य छोड़ कर दिए और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगा छोड़ दिए यहाँ पे थोड़ा पीडीएफ में सेंटेंसेस आगे पीछे हो जाते बुक पे दिया गया है कि अपने सारे कार्य छोड़ दिए और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगा तो इस वर्ष में इतना कुछ है नहीं समझने के लिए जो पीछे वाली कन्वर्सेशन ही कंटिन्यू की है यहाँ पे मैत्री आवाज है तो यहाँ पे मैत्री मुनि विदुर को बता रहे हैं कि नारद मुनि का की बात सुनने के बाद उत्तान क्या हो गए अपने जो भी राज्य क्रियाएं थी उन सबको छोड़ के इतना शोक आकुल हो गए और अब सिर्फ अपने ध्रुव अपने पुत्र ध्रुव के बारे में सोच रहे थे कि वो किस प्रकार से अपनी तपस्या कर रही हूँ उनको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो इसमें इतना ही है नेक्स्ट वर्ष पे आते हैं

इधर ध्रुव महाराज ने मधुबन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए तात्पर्य व शिला प्रपात जगत गुरु शिला की जय इस विशिष्ट श्लोक की महत्ता यह है कि ध्रुव महाराज ने अपने गुरु महर्षि नारद द्वारा बताई गई विधि का अनुसरण किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी यही उपदेश है कि यदि हम भगवान के धाम में वापस जाने में सफल होना चाहते हैं तो हमें गुरु के आदेशों के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए सिद्धि का यही मार्ग है सिद्धि प्राप्त के विषय प्राप्ति के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो गुरु के आदेशों का पालन करता है वह अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है एकमात्र हमारी एकमात्र चिंता ये होनी चाहिए कि गुरु के आदेशों को किस कैसे पूरा किया जाए गुरु आपके प्रत्येक गुरु अपने प्रत्येक शिष्य के को विशेष विशे आदेश देने में दक्ष होते हैं और यदि शिष्य उस आदेश को कार्य रूप में परिवर्तित कर देता है तो वह सिद्धि का मार्ग है ब्यूटिफुल्स देखें बहुत 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 इम्पोर्टेंट वर्ड्स तो है कि जब ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्शन मिल गई तो उन्होंने क्या किया उनको अपने मन में उनको एकदम अपने मन में एक गांठ ली कि मेरे को गुरु ने आदेश दिए हैं, और मुझे एज इट इज उनको फॉलो करने हैं तो उसी प्रकार हम लोगों को भी यही करना है कि हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर के जो आदेश दिए गए हैं उनको हमें एज इट इज फॉलो करना है अब यहाँ पे तात्पर्य मैं जो शिला प्रभुपात बता रहे हैं कि इस विशिष्ट श्लोक का महत्व यह है कि गुरु कि ध्रुव महाराज ने अपने गुरु नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि का अनुसरण किया ठीक है ध्रुव महाराज ने तो किया लेकिन ध्रुव महाराज ने हमें भी साथ में इंस्ट्रक्ट कर दिया कि जिस प्रकार एक गुरु का की आज्ञा का पालन होना चाहिए तो ऐसे ही मतलब सबको ही करना चाहिए आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसे पे उपदेश हमें देते हैं कि हमें गुरु का किस प्रकार से आदर करना चाहिए जैसे आपने अगर नोटिस किया नोटिस किया मतलब ऑफ कोर्स पता ही होगा इस कॉन में हर एक पूरे वर्ल्ड वाइड में जो मंगला आरती होती है वहां पे गुरु वंदना एक प्रेयर गाई जाती है मंगला आरती में वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा दी गई है और उसमें गुरु आ, मतलब जो स्पिरिचुअल मास्टर है उनका बहुत आभार प्रकट किया गया है और ये बताया गया कि हमारे गुरु जो है वो एक्चुअली में कैसे होने चाहिए क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो गुरु एक फैशन बन चुका है तो उसको बहुत सारे लोग एज ए फैशन ही ले रहे हैं बहुत सारे लोग तो एज ए फैशन ले रहे हैं उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुरु को लेते हैं कि आ, गुरु का ये रहता है कि अगर आप मेरे पास आते हैं मैं आपको जॉब लगा देता हूँ अगर कोई हमारे हमें जॉब लगा देता है कोई हमारी बीमारी ठीक कर देता है तो हम उसको ऐसे गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे उनको गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन जिनको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो प्रभुपाद हमें बताते हैं कि एक्चुअल गुरु कैसा होना चाहिए वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें गुरु अष्टकम हम बताते हैं गुरु अष्टकम आठ वर्सेस का एक कंपाइलेशन किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में जिसमें वो बताते हैं कि बहुत सारे ये हैं पैराग्राफ्स हैं बट मैं एक स्टैंडा पढ़ूंगी जिसमें वो बताते हैं श्री राधिका माधव योर पारो माधुर्य लीला गुरु रूप नाम प्रतीक्षण आस्वादन लोलू पास्य गुरु श्री चरणार विंदम गुरु ऐसे होने चाहिए जो अपना पूरा हर एक समय श्री राधा माधव के चरण सेवा में लगे रहे और आ, सिर्फ लगे नहीं रहे एक होता है एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी लगना और एक होता है कि प्रेम से लगना तो यहाँ पे भी पता कि लो -लो है कि लोलो मतलब वो ईगर रहते हैं कि आ, जो स्पिरिचुअल मास्टर वो जब जब ईगर रहे तभी हमें पता लगता कि नहीं ये जो स्पिरिचुअल मास्टर की एक्चुअली पहचान है तो ऐसे गुरु को मेरा सादर 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 प्रणाम है तो हर एक स्टेंजा के जो एंड है उसमें क्या आता है वंदे गुरुव श्री चरणारविंद वंदे गुरुव श्री चरणारविंद ऐसे गुरु के चरणों में मेरा सादर 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 प्रणाम है तो ये होते हैं कुछ स्पिरिचुअल uh, मास्टर के uh, मतलब पहचान करने के जो रियल स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे ढोंगी स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं हमें उन, उनके uh, उनके पास में नहीं बनना चाहिए हमें एक रियल गुरु रियल गुरु मीन ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा और जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं कृष्णा के मर्सी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मतलब कृष्ण जब हम पे मर्सी करते हैं तो गुरु आते हैं हमारी लाइफ में आगे क्या होते हैं तो हमें गुरु के आदेश के अनुसार गंभीरता गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए पूर्णता की यही मार्ग है अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में पूर्ण होना चाहते हैं मतलब परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं बोना फाइट मास्टर हैं उनके आदेशों का पूर्वक देखो यहाँ पे स्ट्रेस किया गया कि पूर्वक नॉट ऐसे इजिली नहीं इजी नहीं लेना चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को गंभीरता पूर्व उन पर कार्य करेंगे तभी जाके क्या होगा परफेक्शन होगी मतलब सफलता होगी सफलता क्या है गुरु का इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं एज इट इज फॉलो करने फॉलो क्यों करने ताकि हम भगवत प्राप्ति कर सके आगे होता है हमारी एकमात्र चिंता ये होनी चाहिए क्योंकि जो मनुष्य गुरु के आदेशों का पालन करता है वह अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है हमारी एकमात्र चिंता ये होनी चाहिए कि गुरु के आदेशों को कैसा पूरा किया जाना चाहिए गुरु अपने प्रत्येक शिष्य के विषय को विशेष आदेश देने में निपुण है और यदि शिष्य उन्हें आदेश रूप आदेश को कार्य रूप में परिवर्तित करता है तो यही पूर्णता का मार्ग है ओके okay. तो दैट्स इट इसमें कुछ यस uh, एक लाइन और आ, हाईलाइट करूंगी हमारी एकमात्र चिंता देखो अगर किस प्रकार उन इंस्ट्रक्शंस को अपनी लाइफ में फॉलो करना है और उस अगर हम फॉलो कर रहे हैं और साथ में उसका अगर रिजल्ट हमें नहीं मिलना पड़ा तो कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रक्शंस में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है मिस्टेक अगर है तो हमारी फॉलो में करने में अगर हम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए रिजल्ट नहीं मिल पा रहा तभी बताया गया कि हमें सिर्फ अपना जो अपना पार्ट है गुरु गुरु ने अपना पार्ट दे दिया इंस्ट्रक्शन दे दी हमें अपना पार्ट करना है फॉलो करना है अगला का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगेन गुरु का ही पार्ट है कि वो कि वो खुद संभालेंगे आगे हमारा ग्रोथ होगा या नहीं होगा एंड ऑफ कोर्स होगा अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो एज इट इज भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज वहां शरण रचा अहम तो आम सर्व पापे भी मोक्ष स्वामी मार्शा भगवान भी वहां पे अर्जुन को यही बता रहे हैं कि आप सिर्फ सरेंडर कर दो आगे का मतलब आगे का जो भी पार्ट है वो मैं संभाल लूंगा और टेंशन मतलब मैं सब सबसे तुम्हारी रक्षा करूंगा सारे पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा तो टेंशन मत लेना तो इसी प्रकार देखिए गुरु जो है हमारी लाइफ में आते हैं बिकॉज कि हम इतने एलिजिबल नहीं होते हैं कि हम कृष्ण से डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सके लेकिन कृष्ण हमसे बात करने की इच्छा जब हमारी भी इच्छा होती है कृष्ण से बात करने की और भगवान तो ऑफकोर्स ऑलरेडी हमेशा ही तैयार रहते हैं तो इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं गुरु के रूप में तो हम कृष्ण से गुरु के माध्यम से बात कर सकते हैं मतलब कृष्ण गुरु को आदेश देंगे जिस प्रकार अभी हम बहुत अच्छी एग्जाम्पल एक्जाम, समझ सकते हैं नारद मुनि एंड ध्रुव महाराज के ध्रुव महाराज कृष्ण से बात करना चाहते थे क्या बात करना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ और मुझे ये सब चाहिए लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार इस न, 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 इस रास्ते में आगे कैसे जाऊं मतलब मैं कैसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांग सकता तो उन्होंने क्या किया अपनी क्यूरियोसिटी जगाई तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा उसी प्रकार हमें अगर डिवोशनली आगे बढ़ने की इच्छा है तो गुरु हमारे जीवन में आते हैं और उनको भेजता कौन है कृष्ण भेजता ठीक है सो दैट्स इट अबाउट दिस वर्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्स पे वर्स नंबर 72 प्री रात्रिन त्रि रात्रिन कथापि बद्र अश्ना आत्मवृत्ति अनुसारेणा मा सम्यते अचार्यन हरिं ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा यानी निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे तथा बेर का भोजन किया और इस प्रकार वे भगवान की पूजा में आगे बढ़ते रहे तात्पर्य वाय शिल्रपात जगत गुरु की जाए कथित एक फल है जो हिंदी में आ, हिं, जो हिंदी में कैथा कहलाता कहला है कैथा कहलाता है इसके फल प्राय बंदर खाते हैं इससे मनुष्य कम ही खाते हैं क्योंकि ध्रुव महाराज ने स्वाद की तृप्ति के लिए नहीं वरण शरीर के निर्वाह के लिए ऐसे फलों को ग्रहण करना स्वीकार किया शरीर को भोजन चाहिए किंतु भक्त को चाहिए कि जीव की तुष्टि के लिए भोजन ना करे भगवत गीता में आदेश है कि शरीर को स्वस्थ रखने भर के लिए ही भोजन किया जाए विलास के लिए नहीं ध्रुव महाराज आचार्य थे किंतु तपस्या करके वे हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि भक्ति किस प्रकार की जाए हमें ध्रुव महाराज की भक्ति प्रक्रिया को भलीभांति समझना चाहिए उन्होंने इतने कष्ट से दिन बिताए यह अगले श्लोक में बताया जाएगा हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि भगवान का प्रमाणित भक्त बनना कोई सरल कार्य नहीं है किंतु इस युग में भगवान चैतन्य की कृपा से यह सरल हो गया है किंतु यदि हम चैतन्य महाप्रभु के उदार आदेशों का भी पालन नहीं कर सकते तो हम भक्ति के नियमित कर्तव्यों को करने की आशा कैसे कर सकते हैं इस युग में ध्रुव महाराज के तब का अनुसरण कर पाना कठिन है किंतु नियमों का पालन होना चाहिए हमें चाहिए कि गुरुओं द्वारा बताए गए विधि विधानों का उल्लंघन न करें क्योंकि वे बद्ध जीव के लिए इन्हें सरल बता देते हैं जहां तक हमारे स्कान अंदु, स्कान आंदोलन का संबंध है हम केवल यह कहते हैं कि वनोष चार निषेधात्मक नियमों का पालन करें 16 माला जप करें और जीव को स्वाद में ना लाकर भगवान को प्रदत्त एकमात्र प्रसाद ही ग्रहण करें इसका यह अर्थ नहीं कि यदि हम उपवास करें तो भगवान की, को भगवान भी उपवास करें भगवान को अच्छे से अच्छा भोजन भोग सॉरी भोग चढ़ाए किंतु हमारा उद्देश्य अपने स्वाद की पूर्ति करना नहीं होना चाहिए जहाँ यहाँ जहाँ तक संभव हो सादा जी भोजन ग्रहण करें जिससे भक्ति करने के लिए शरीर निर्वाह हो सके हमारा कर्तव्य है कि हम यह सदा स्मरण रखें कि ध्रुव महाराज की तुलना में हम नग्न हैं नगण्य हैं है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार कार्य के लिए जो कुछ किया उसे कर पाना हमारे लिए नितांत असंभव है किंतु क्योंकि हम ऐसी सेवा करने में अक्षम है किंतु इस युग के लिए हमें चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की सभी प्रकार ने सभी प्रकार की छूट दे रखी है अतः हम इतना तो स्मरण रखें कि भक्ति हेतु कर्तव्यों को ना कर, ना करने से हमारी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती हमारा परम कर्तव्य है कि हम जो तो महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करें क्योंकि वह अत्यंत दृढ़ द्र, व्रत थे हमें भी इस जीवन में भक्ति के लिए अपने कार्यों का पूरा आ, करने का व्रत लेना चाहिए हमें ये कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए अगेन अगेनफुल वर्स ओके तो इसमें ट्रांसलेशन में प्रभा ट्रांसलेशन में बता रहे हैं ध्रुव महाराज ने पहले महीने अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए देखिए यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर का निर्वाह करने के लिए हमें जो आ, भोजन ग्रहण करते हैं मतलब वैसे तो प्रसाद बोलना चाहिए प्रसाद ग्रहण किसके लिए करना चाहिए सिर्फ अपने एक अपने शरीर को चलाने के लिए ना कि मतलब आ, एक बहुत अच्छी लाइन है इसमें मुझे याद नहीं आ रही अः यस yes, हमें जीने के लिए खाना चाहिए खाने के लिए नहीं जीना चाहिए तो ये आजकल बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि आजकल लोग तो व्रत नहीं रख सकते या और भी बहुत सारी चीजें ऑल दो बहुत सारे व्रत कंपल्शन होते भी नहीं है बट आजकल बहुत सारे लोग तो, तो मतलब ऑश्चरिटीज परफॉर्म ही नहीं कर सकते ओके okay. सो so, ध्रुव महाराज क्या करते थे हर तीसरे दिन केवल फल खाते थे तीन, तीन 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 दिन कुछ नहीं खाना और तीसरे दिन क्या खाते थे फल खाते थे फल कौन से खाते थे ऐसे फल खाते थे जो ह्यूमन खाना पसंद ही नहीं करते थे जो जानवर खाते थे अब उन्होंने वो क्यों खाए जो जानवर खाते क्योंकि वह अपने सेंसेस को एंजॉय uh, नहीं करना चाहते थे वो अपने सेंसेस मतलब सिर्फ uh, वो ये नहीं चाहते कि मेरे को टेस्ट आए जस्ट uh, अपने शरीर को चलाने के लिए खा रहे थे आगे क्या होता है आगे तात्पर्य में शिल प्रभु बता रहे हैं। यस yes. कि एक भक्त को चाहिए कि वो अपनी जीव की तुष्टि के लिए भोजन ना करे मतलब एक भक्त जो है वो अगर प्रसाद पा रहा है मतलब जो भगवान को ऑफर किया गया है प्रसाद भोग है उसको एज ए प्रसाद रूप में पाता है तो उसके लिए भी अगर कोई भक्त इच्छा करता है कि मुझे मुझे पर्टिकुलर जैसे अभी पीछे कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि एक भक्त को प्रसाद दिया गया उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु जी मुझे ये नहीं मुझे वो वाला प्रसाद चाहिए तो अगर उस प्रसाद में भी अगर हम अपनी इच्छा रख देते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाती है और प्रसादम से रिलेटेड खाने से रिलेटेड और भी बहुत सारे रूल्स बताए गए कि हमें बहुत सारे तो ऐसे रूल्स होते हैं कि दिन में एक बार खाना चाहिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्या होता कि हमारा टंग रहता है। जब हमारा टंग सेटिसफाइड रहता है तो हमारा बैलीस्फाइड रहता है हमारा बैलीफाइड रहता है तो हमारा माइंड कंट्रोल रहता है माइंड कंट्रोल रहता है तो हमारे जैनिटल्स कंट्रोल रहते हैं और सारे की सारी गेम स्टार्ट होती है टंग से तो अगर टंग को कंट्रोल किया जाए जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी बताया गया कि वाच वेगम सबसे पहले हमें टंग को कंट्रोल करना चाहिए अगर टंग कंट्रोल हो जाती है तो धीरे 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 इजी हो जाता है बाकी सेंसेस को कंट्रोल करने में तो इसमें मेनली बताया गया कि प्रसादम से रिलेटेड प्रसादम पे बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ज्यादा खाने से नींद आती है और नींद आने से क्या हो जाता है किसी भी कार्य में मन नहीं लगता ओके okay. आगे बताया गया है कि हमें ये सदैव स्मरण रखना होगा कि भगवान का प्रमाणिक भग, बनना कोई सरल कार्य नहीं है जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं ध्रुव महाराज के ध्रुव महाराज ने कैसे तपस्या की पहले महीने में उन्होंने सिर्फ तीन चार दिन तीन तीन चार दिन के बाद फल खाना उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार इतने इतने दिनों तक कुछ भी नहीं खाते थे जल सिर्फ जल पीते थे या सूखा सूखे पत्ते सूखा घास खाते थे वगैरह वगैरह तो ये तो सतयुग की बात है वो इतना इजी नहीं है अब जैसे हम आजकल की अगर लाइफ like को कंपेयर करें तो अगर हमें एक छोटे मोटे एग्जाम तो मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड और आध्यात्मिक वर्ल्ड का अगर कंपैरिजन करें तो मटेरियल वर्ल्ड के जो पोजिशन है वो बहुत छोटी हो जाएंगी उनके लिए अगर कोई व्यक्ति इतना एंडावर्स करें अभी हम स्टूडेंट्स को देखते हैं एंडेवर करते हैं किसी को नेट क्रैक करना होता है किसी को आई एस आई पी एस एंड ऑल केस एस एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो उन सब के लिए वो कितना मेहनत करते हैं कोचिंग लगाते हैं ड्रॉप uh, करते हैं एंड uh, सुबह शाम दिन रात उनको खाने पीने तक का पता नहीं होता है तो इतना मेहनत करके वो क्या करते हैं इस भौतिक संसार की कोई एक पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं एंड uh, उसका uh, इस मनुष्य जीवन के बियॉन्ड जो है कोई भी यूज नहीं आने वाला तो ये एक क्षणिक पोजीशन के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सब लोग अपने 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 लेवल पे चेक कर सकते हैं क्या हम इसका कुछ परसेंट भी डिवोशनल डिवोशन में आगे ग्रो करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और अगर मैं कहूँ तो नो और आप लोग भी अपने अपने चेक कर सकते हैं क्योंकि आपके बारे में मैं नहीं जान सकती और मेरे बारे में आप नहीं जान सकते तो मुझे लगता है विल बी द बिग नो किंतु इस युग में भगवान चैतन्य की कृपा से ये इतना सरल हो गया है अब यहाँ पे कलयुग के लोगों के लिए एक ऑफर है जैसे आ, कुछ सेल्स लगती है नवरात्र में ऑफ़र निकल निकलते हैं या फिर दिवाली ऑफर होते हैं और भी बहुत सारे ऑफर होते हैं तो ये कलयुग का ऑफर है जो हमारे लिए ले लेके आए श्री चैतन्य महाप्रभु मैं बहुत सा, बहुत समय पहले मैंने एक लेक्चर सुना था हिस्ड्रेस अमरेंद्र प्रभु का उन्होंने बहुत मतलब इतना इंटरेस्टिंग था वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी उन्होंने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का एक ऑफिस है सपोज कर लेते हैं चैतन्य महाप्रभु का एक ऑफिस है एंड उसमें क्या हो रहा है कि रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं मतलब जिसको आ, सपोज कोई पोजीशन दी जा रही है या आ, आ, मतलब जॉब वगैरह के लिए ठीक है तो उसमें क्या कर रहे हैं कि हमें एग्जाम पास करना है अब हम जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास क्योंकि आ, थोड़ा बहुत कंसेशन चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा नहीं बहुत लेवल पे चैतन्य महाप्रभु ने कंसेशन किया हम एक काउंटर पे है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का काउंटर है दूसरा काउंटर है नित्यानंद का तीसरा है प्रभात का एंड वैष्णव आचार्य जो हमारे अभी मास्टर्स है तो Yeah, हम चैतन्य महाप्रभु के काउंटर पे जाते हैं उनको कहते हैं कि प्रभु आ, मेरे से आ, इतनी तपस्या नहीं हो पाती जैसे ध्रुव महाराज ने की तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है आप सिंपली चौसठ वाला का जप करो एंड नियमों का पालन करो मैं आपको गोलोक धाम लेके जाऊंगा तो हम क्या कहेंगे हरी बोल लेकिन उस उसपे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे तो जो बहुत आलसी होते हैं वो कहते हैं कि हमसे तो इतना नहीं हो पाएगा हमसे हर टाइम तो कीर्तन नहीं किया जा सकता तो फिर उन्होंने कहा कि फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है आप नित्यानंद प्रभु से बात करो शायद वो कुछ हेल्प करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता तो हम जाएंगे चैतन्य सॉरी नित्यानंद प्रभु के पास फिर नित्यानंद प्रभु को कहेंगे नित्यानंद प्रभु हमें हमारी कुछ कुछ और कंसेशन कर सकते हैं थोड़ा तो नित्या थोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु ने किया थोड़ा सा आप कर लीजिए तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ओके ओके कोई बात नहीं है आप एक काम करो आपको यहाँ पर आने की भी आवश्यकता नहीं आप घर जाके, घर जाके आराम से जो भी आपको किया जा सकता है वगैरह वगैरह तो थोड़ा सा नित्यानंद प्रभु भी कर लेते हैं अब कुछ बहुत सारे ऐसे आलसी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं चौसठ वाला भी नहीं की जा सकती अब क्या करें अब क्या करें तो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं नित्यानंद प्रभु थोड़ी सी और हेल्प हो सकती तो है तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मेरे मेरे हाथ में तो इतना ही है आप एक काम करो प्रभु के पास जाओ तो हम मतलब वो व्यक्ति जो है वो प्रभुपात के पास जाते हैं प्रभुपात कुछ हेल्प हो सकती है uh, मैं ऐसा नहीं कर सकता चौंसठ माला नहीं हो सकती वगैरह वगैरह तो प्रभात कहते हैं टेंशन वाली कोई बात नहीं है आप चौंसठ आप चौंसठ नहीं कर सकते आप सोलह माला का जाप करो एंड और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का फॉलो करो एंड आफ्टर दैट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करो तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है भगवत धाम में आपको लेके जाऊँ तो शिला प्रपात ने हमारे लिए बहुत 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 कंसेशन किया है हमें अब उसको नहीं छोड़ना है यहाँ पे एक लाइन प्रपात बहुत आ, देते हैं आ, अभी मुझे यस किंतु यदि हम महाप्रभु के उदार आदेशों का भी पालन नहीं कर सकते तो हम भक्ति के नियम नियमित कार्यों को करने की आशा कैसे कर सकते यहाँ पे जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो को एक मतलब खुद से एक वर्ड सामने आया जैसे यहाँ पे प्रपात बता रहे यदि आ, यदि हम चैतन्य महाप्रभु के उदार आदेशों का भी पालन नहीं कर सकते तो हम पे लानत है मतलब मैं अपने लिए बोल रही हूं कि अगर फिर भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी लानत की बात है कि हम इतना, इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हमारा धाम जाना इम्पॉसिबल है।, है आगे जो एंड का पार्ट है उसमें प्रभुपाद बहुत अच्छी लाइन कहते हैं हमारे लिए एक बहुत अच्छा आदेश दे तात्पर्य को क्लोज करें जहाँ पे प्रभात कहते हैं हमें इस जीवन में भक्ति करने हेतु अपने कार्यों को पूरा करने का व्रत लेना चाहिए तो अब हमें एकदम तो फाइनलाइज करना है कि मुझे ये करना है बिकॉज कि मुझे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने आज्ञा दी है और स्पिरिचुअल मास्टर ने आज्ञा किसके भी हाँ पे दी है कृष्ण के भी हाँ पे तो अगर मुझे कृष्ण के पास जाना है तो मुझे स्पिरिचुअल मास्टर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और आगे बताते हैं हमें इस कार्य को पूरा करने हेतु तो दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन हमारे पास हमें कैसे फॉलो करना है वो भी बताया गया है देखो हमारे पास अः एंड पार्ट है इनिशियल पार्ट हम है और जो पाथ है वो भी शुल्भ रूपा ने बता दिया अगर हम फिर भी ना चले तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलती है हमारे पास पाथ है बहुत अच्छे से दिया गया है और एंड पार्ट है कृष्ण के पास जाने है वो भी है तो अगर हमें कृष्ण के पास जाना है तो हमें ये पाथ को एज इट इज फॉलो करना है दैट्स इट अगर हम फॉलो करेंगे तो भगवत धाम जाना इज पॉसिबल फॉर अस ओके बढ़ते हैं आगे वर्ष पे अ थ्री फोर फाइव सिक्स इनको हम वन गो में पढ़ लेते हैं द्वितीयम चतधामा सम प्रस्त प्रस्ते अर, अर्क अर्क दिने आह मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ ओके okay, ये ये यस yes. अर्को दिने त्रिन त्रिनपाद अर्थभीष्मी कृतन्य अभ्य अभचार्यन विभू दूसरे महीने में महाराज ध्रुव खाने लगे शुष्क घास तथा पत्ते ही उनके खाद्य पदार्थ थे इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू रखे तृतीय चा नवे नवमे मही अक्ष उत्तम उत्तम श्लोक उत्तम श्लोकम उपाधातम समाधि तीसरे महीने में वे प्रत्येक नवे दिन केवल जल ही पीते थे इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में समाधि में रहते हुए भगवान की पूजा करते रहे वर्ष नंबर चतुर्थम अपी वे मास्यम द्वादशे द्वादशे अहिम आयु भक्ष जित आश्वास ध्यान अधार्यतम चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक बारहवें दिन वायु को वास के भीतर ले जाते इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्हें भगवान उन्होंने भगवान की पूजा की वर्स नंबर पंचमे मासिम अनुप्राप्ते जित श्वास नृप आत्मज अध्यम ब्रह्म महाराज महाराज ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वह एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए मानो कोई अचल ठूंठ हो इस प्रकार उन्होंने परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर दिया okay. इन so, वर्सेस में ये बताया गया कि ध्रुव महाराज ने किस किस प्रकार से तपस्या की जैसे वर्ष नंबर सेवेंटी थ्री में बताया गया कि दूसरे महीने पहले महीने में क्या किया था हर तीन दिन के बाद वे फल लेते थे दूसरे महीने में क्या किया उन्होंने दूसरे महीने में महाराज ध्रुव छह दिन पश्चात खाने खाने लगे और उनके खाओ यस फिर उसके बाद छह दिन के बाद खाने लगे और खाते क्या थे शुष्क घास मतलब सूखी हुई घास या कुछ पत्ते खा लेते थे उसके बाद तीसरे महीने में उन्होंने क्या किया नौ दिन के बाद जल लेते थे नौ नौ दिन तक कुछ भी नहीं लेते और नौ दिन के बाद क्या लेते थे जल लेते थे, थे उसके बाद वर्ष नंबर सेवेंटी फाइव में बताया गया कि चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राण वायु में पटु हो गए प्राणायाम में पटु हो गए अब वो क्या हो गया उनको अपना ब्रीदिंग कंट्रोल हो गया कि मुझे आ, मतलब जैसे ब्रीदिंग प्राणायाम करते तो उसमें उनको ब्रीदिंग कंट्रोल आ गया और वो हर क्या करते थे बारहवें दिन वायु का श्वास अंदर अब बारह दिन तक वो ऐसे इनहेल करते थे फिर बारह दिन के बाद फिर एक्सहेल एंड फिर इनहेल करते थे तो मतलब इतना प्राणायाम में उनको वो इतने एक्सपर्ट हो गए अब उसके बाद पांचवे महीने में क्या हुआ कि वो श्वास रोकने में उनका नियंत्रण हो गया अब वो अपने श्वास पे भी कंट्रोल कर सकते थे और इससे उनने क्या किया श्वास को भी कंट्रोल कर दिया और अपने माइंड और जितने भी सेंसेज हैं उन सबको कहाँ केंद्रित कर दिया भगवान के पर ब्रह्म स्वरूप पे उन्होंने पर ब्रह्म को अपने मन में केंद्रित कर दिया तो उन्होंने जो हमारे मन में जो भगवान है उन पे कंसंट्रेट करना वो सफल हो गया तो आगे के वर्ष हम आगे कंटिन्यू करते हैं आ, कल आज फ्राइडे कल सैटरडे कल नहीं होगा मंडे को मिल जाए मंडे को ये वर्सेस कंटिन्यू करते हैं फिर देखते हैं आगे हमें पता लगेगा कि क्या होता है तब तो तक इसको सस्पेंस ही रखता है ओके तो आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है आई होप uh, मेरे एंड से सब अच्छे से डिलीवर हुआ होगा और अगर कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कर दीजिए और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं या फिर आपके पास नंबर होगा तो आप नंबर uh, के थ्रू भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू ठीक है ओके चलिए एंड करते हैं फिर आज के सेशन को यहाँ पे